और अभी नींद खुला है हम लोग का, तो तू अपना अंदर में है गाड़ी में, चला जाइए उस्ताद चाय पिए, चला तो चल जाओ। तो ठीक है उस्ताद को भी ले ले चलते हैं, क्योंकि इनका गाड़ी भी बगल में है और हमारे पड़ोसी है। और देखिए कल स्लिप मिलता है कि नहीं। परवल को भरने का शुरू करते हैं और बनेगा परवल का भरुआ। जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे मस्त होंगे, आपके द्वारा हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 9 बज गया है और देख सकते हैं अपना गाड़ी उसी जगह पर है जहाँ कल था, और पिछले ब्लॉग में भी देखे होइएगा कि यहीं पर अपना गाड़ी रह गया स्लिप नहीं मिलने के कारण से, और आज भी अपना स्लिप मिलेगा नहीं, क्योंकि बरसात के समय में यही सब होता है कि लिमिटेड कोटा होता है, ज़्यादा डीओ नहीं होने के कारण जो पहले का गाड़ी है उसको दिया जाता है, जो स्लिप निकल रहा है एकाध दो उसको पहले दिया जाता है। तो ठीक है अभी तो अपना स्लिप मिलेगा नहीं, हो सकता है कल कहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों चलिए अभी छोटू को भेजते हैं, फिर राशन पानी भी लाना होगा, फिर बनाना होगा हम लोग को, तो यहीं पे रहना पड़ेगा। तो ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या कीजिएगा बरसात का समय में यही सब होता है। दोस्तों सुबह का 9:30 बज गया हुआ है और अपना नाश्ता करने के लिए भी देख सकते हैं कुछ बना ले रहे हैं, तो रातों की सब्जी भी इतना बचा हुआ है, तो आटा भी थोड़ा सा सान लिए है, अब कचौरी अभी छान लेते हैं आटा का, तो गैस भी जला दिए हुए है और कढ़ाई भी चढ़ा दिए हुए है, देख सकते हैं कढ़ाई भी गर्म हो गया हुआ है, इसमें तेल छोड़ते हैं। फाइनली अपना कचौरी छाना गया हुआ है और अब गैस बंद करते हैं। और दोस्तों हम लोग का नाश्ता भी निकल गया है, देख सकते हैं पूरी और सब्जी, रात का सब्जी बच गया था, बेसन और भिंडी का सब्जी बना हुआ था, सब्जी भी मस्त एकदम बना हुआ था। तो ठीक है अभी नाश्ता करते हैं, फिर उधर छोटू का भी है। दोस्तों शाम का 5 बज गया है और अभी नींद खुला है हम लोग का, छोटू अपना अंदर में है गाड़ी में, अभी छोटू गया था कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, धो धा करके ले आया है और अभी हम चलेंगे नहाने के लिए। और जो दिन में जो पूरी बनाया था छोटू और रात का सब्जी बच गया था, तो वही खा करके बस नींद अच्छा आ गया था, क्योंकि पूरी खाएं तो पेट भर गया था, इसीलिए खाना भी नहीं बनाया आज। तो अभी चलते हैं नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि अभी तो भूख भी लग गया है, तो सुबह का इसे 10 बज रहा था उस समय जब पूरी उड़ी खाए थे। तो ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, और दाढ़ी भी बनाना है, दाढ़ी भी बनवा लेंगे और नहाना भी है, तो देखते हैं पानी है कि नहीं टंकी में। छोटू तो कह रहा है कि टंकी खाली हो गया है, खाली हो गया है क्या छोटू? हाँ पानी उस समय खत्म हो गया था उसमें, खाली हो गया है। हाँ तो ठीक है दोस्तों चलते हैं और देखते हैं पानी है कि नहीं है पहले, चला जाइए उस्ताद चाय पिए, चला तो चल जाओ। तो ठीक है उस्ताद को भी ले ले चलते हैं, क्योंकि इनका गाड़ी भी बगल में है और हमारे पड़ोसी है। तो चलिए दोस्तों ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और भी गाड़ी सब लगा हुआ है, पूरा लाइन लगा हुआ है पीछे तक इधर भी। और देखिए कल स्लिप मिलता है कि नहीं, और ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है खरे खरे, लेकिन क्या कीजिएगा बरसात का मौसम में थोड़ा होता है, बरसात में यही सब होता है, कहीं 2-4 दिन खड़ा भी रहना पड़ जाता है। तो चलिए ठीक है चलते हैं, फिर चाय पानी किया जाएगा, कुछ नाश्ता पानी भी किया जाएगा, समोसा खाएगा, चलिए समोसा दे दीजिए गर्म, दूध को दीजिए 2 जगह। देखिए इधर छोटू लेकर के आ गया। दोस्तों शाम का 7:30 बज गया हुआ है और अब खाना बनाने का शुरू करते हैं, तो देख सकते हैं गैस जलाते हैं और इस समय बनाएंगे दाल चावल परवल का भरुआ बनाएंगे, तो सुबह के लिए लाए थे तो सुबह को बनाए नहीं थे, तो इसी समय बना लेते हैं। सुबह को तो नाश्ता कर लिए थे, पूरी बना लिए थे, वही नाश्ता करके सो गए थे, तो इस समय बना लेते हैं दाल चावल परवल का भरुआ, तो गैस जलाते हैं और इस पर दाल का पानी अब चढ़ा देते हैं। दाल बना ले रहा है छोटू, चावल बना ले रहा है, और परवल का जो भरुआ है वो हमको बनाना होगा। तो ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए, गाड़ी चलता रहता है तो थोड़ा मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन बैठे बैठे देह में दर्द हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि देह में दर्द हो जा रहा है, सोए सोए अब कहाँ जाएँ क्या करें बताइए। चलिए अब देखते हैं कल स्लिप मिल जाएगा तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ठीक है चलिए हम लोग इस परवल का इसका शिशो होते हैं ऊपर वाला जो है, और लहसुन प्याज मिर्चा जो भी है काट छांट करते हैं।
परवल को धोधा करके एकदम फिनिश कर दिए हैं, देख सकते हैं। अब इसको फाड़ करके इसका बीज का मटेरियल जो है निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ही सभी को निकालना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया। दोस्तों प्याज मरचा कुछ लिए हुए हैं और मसाला का घोल बना लेते हैं। दोस्तों दाल बनके तैयार हो गया हुआ है, देख सकते हैं। और दाल उतारते हैं और उधर दाल छौंकन लगाने के लिए भी लहसुन मरचाई इधर जीरा भी रखे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब दाल छौंकन लगा लेते हैं। चावल का पानी चढ़ा दिए थे और चावल का पानी भी गर्म हो गया हुआ है और इधर चावल भी धोकर रेडी कर लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चावल छोड़ देते हैं। चावल बनकर तैयार हो गया हुआ है, तो ठीक है चावल पसा लेते हैं। परवल का भरुआ बनाने के लिए अभी देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तेल भी गर्म हो गया है, जीरा इसमें छोड़ दे रहे हैं, सब इसमें है, मिक्स है। तो चलिए अभी जीरा हो जा रहा है तो इसको डालते हैं। फिर जीरा लाल हो गया है, अब इसको छोड़ते हैं, फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मसाला का भी घोल बन करके रेडी है, तो चलिए छोड़ते हैं इसको भी। फ्राई हो गया है मसाला, अब इसको बंद करते हैं, पहले अब परवल में भर लेते हैं। परवल को भरने का अब शुरू करते हैं और बनेगा परवल का भरुआ। दोस्तों देख सकते हैं मसाला भी भर दिए हैं इसमें, और चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। दो घानी होगा, दो घानी में इसको बना देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली भरुआ बन करके रेडी हो गया है, तो चलिए इसको निकालते हैं। अब तेल बच गया हुआ है, अब सोचते हैं कि इसको भी छानिए लेते हैं। तो तेल भी गर्म है ये है, अब इसको भी डाल देते हैं इसमें। दोस्तों फाइनली हमारा खाना बन करके रेडी हो गया है, देख सकते हैं। इधर चावल भी छोटू निकालना शुरू कर दिया है और दाल भी अपना बन करके रेडी है। तो चावल निकलने के बाद अपना दाल निकलेगा, और इधर देख सकते हैं ये भी सब रेडी है। फाइनली अपना खाना निकल चुका है, अचार दाल और भात, और ये देखिए भरुआ। और हमारे साथ अमित भाई भी है, तो चलिए साथ में हम लोग खाते हैं फिर। और इनका खलासी नहीं है, इनका खलासी खाना खा लिया ना वो अमित भाई, तो ठीक है खाना खाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग भी शुरू करते हैं खाना खाने का। कैसे है अमित भाई? ठीक है, एकदम मस्त मस्त है ना। चलिए दोस्तों खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया है और अमित भाई को छोड़ते हैं और ये भी जाएंगे अपना गाड़ी पास। इनका भी गाड़ी लोड हो गया है, लोड हो गया ना भाई? लोड हो गया। तो अमित भाई का गाड़ी लोड हो गया है लेकिन आज निकला नहीं है, तो कल इनका गाड़ी तो निकल जाएगा, लेकिन अपना गाड़ी देखिए कल घुसता है कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अभी छोटू को देख सकते हैं, उधर झाड़ झूर कर रहा है छोटू अपना, उधर सब झाड़ झूर कर रहा है, सोने का व्यवस्था बना रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।